समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित हुआ और सारा देश 6000 से भी ज्यादा जातियों में बट गया। जाति व्यवस्था एकता और समानता के विरुद्ध है। हम शूद्र यानी ब्राह्मणों के गुलाम, हमारा क्या अपराध है? हमें क्यों अछूत पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी करार दे दिया गया? हमें इसका उत्तर खोजना है। इस खोज के दरमियान बनी यह फिल्म किसी भी जाति वंश या वर्ण के खिलाफ नहीं बल्कि सबके लिए समानता का दस्तावेज है। आइए इस खोज में आप भी हमारे साथ चलें। बाहर से आए विदेशी आर्य आक्रमणकारियों ने भारत भूमि पर हमला करके यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मूल निवासी अनार्यों के घर बार नगर उजाड़ दिए गए, उनकी साधन संपत्ति लूट ली गई, शिल्प और कलाकृतियां नष्ट कर दी गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्त्रियों को बंदी बनाकर जुल्म ढाए गए जिन्होंने आर्यों की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। ऊंच और नीचता का राज शुरू हो गया। अनार्यों को बंदी बनाकर असुर एवं राक्षस घोषित कर दिया गया और स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे मूल निवासियों को
आर्यों ने कपट से अपना दास बना दिया। यही दास शूद्र कहलाए गए और आर्यों के गुलाम बनकर जीने लगे। आर्यों के आक्रमण से पहले कितना मंगलमय था यहां का वातावरण। भारतवर्ष के मूल निवासियों की संस्कृति विश्व की सबसे अधिक विकसित संस्कृति थी। सिंधु नदी के किनारे बसकर सारे भारतवर्ष में इस संस्कृति का विकास हुआ था। हरी भरी वादियां, लहलाते खेत, कृषि के उत्पादन में वृद्धि, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि थी। हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार समानता से जी रहा था, मनपसंद व्यवसाय कर रहा था। शिल्प हो, संगीत हो या नृत्य, हर कला को प्रोत्साहन मिलता था। यहां के मूल निवासी तो हर प्रकार से सुखी थे। जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा, नहीं, जब जब ब्राह्मणों पर संकट आता है और वे गैर ब्राह्मणों से पराजित होते नजर आते हैं, तब तब ये आर्यों के तथाकथित चिरस्थाई भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और पराक्रमी व बलशाली मूल निवासी राजाओं को कपट से मार डाला जाता है। साम दाम दंड भेद नीति द्वारा अनार्य के विद्रोह को नष्ट किया जाता है। काल्पनिक भगवान का डर लोगों में फैलाकर ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को बचा लेते हैं और हर युग में नित नए विष्णु भगवान के अवतारों की कपोल कल्पित कहानियां गढ़ लेते हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था बनी रहे इसलिए हर युग में एक अवतार, अवतार ही अवतार। दशावतार की श्रृंखला में तथाकथित भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार नामक पहला अवतार लिया। कहा गया कि हैग्र नामक असुर ने ब्रह्मा के मुख से वेद वाक्य सुन लिए थे, इसीलिए मत्स्य अर्थात मछली का रूप लेकर भगवान विष्णु ने उसका वध कर डाला। किंतु सत्य ये है कि सागर किनारे दक्षिण भारत में असुरों की अर्थात द्रविड़ों की सभ्यता विकसित थी। प्रगतिशील द्रविड़ों को आर्यों का पाखंड नापसंद था, इस कारण उनमें अक्सर संघर्ष होता रहता था। तब आर्यों ने कपट से द्रविड़ों को वश में कर लिया। उनके कपट पर पर्दा पड़ा रहे इसीलिए मत्स्यावतार की कल्पित कहानी को प्रचारित किया गया। कुर्मावतार। पराक्रमी अनार्य राजा जब आर्यों पर हावी हुए तो आर्यों को उनका मुकाबला करना संभव नहीं था। आर्यों को अपनी हार होती नजर आ रही थी, इसीलिए संघर्ष के बजाय सुलह का रास्ता आर्यों ने अपनाया और कछुए की तरह शांत रहकर अनार्यों के साथ समझौता किया। ये समझौता सागर किनारे किया गया, इसीलिए इसे समुद्र मंथन का नाम दे दिया गया। अपनी हार को आर्यों ने मूल निवासियों के साथ समझौते में बदल दिया और कछुआ नीति के आधार पर किए गए आपातकालीन समझौते को कछुआ अर्थात कुर्मावतार कहकर प्रचारित किया।
मंदार पर्वत के द्वारा समुद्र में असुरों के सहारे देवगणों द्वारा समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने की चमत्कार की कल्पना महज भोली भाली जनता को बहकाने की चाल ही है। वराह अवतार। मूल निवासी राजा हिरण्याक्ष भारतीय भूमि का असली वारिस था। उसकी भूमि पर आर्य कब्जा करने की कोशिश करते थे, इसलिए आर्य और हिरण्याक्ष में संघर्ष हुआ करता था। हिरण्याक्ष ब्राह्मण संस्कृति के लिए खतरा बन गया। प्रजा में हिरण्याक्ष ब्राह्मणों से ज्यादा लोकप्रिय था। उसे जबरन मारकर राज्य हत्याने से प्रजा विद्रोह कर सकती थी और आर्यों का प्रयोजन सफल नहीं होता। इसीलिए असावधान हिरण्याक्ष के ठीक कान के पीछे आघात करके कपट से उसकी हत्या कर दी गई। प्रजा विद्रोह ना करे, इसलिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को उसके पापों की सजा दी, ऐसी कथा प्रचारित की गई और सुअर अर्थात वराह अवतार का निर्माण किया गया और इस तरह आधारहीन कथा के सहारे लोगों को भ्रमित किया गया। नरसिंहावतार। न जमीन पर न आकाश में, न रात को न दिन को, न अंदर न बाहर, न पशु से न मानव से, ऐसे अपराजित दिग्विजय राजा हिरण्यकश्यपु के कपटवत को छिपाने के लिए नरसिंहावतार की कहानी गढ़ी गई। वराह अवतार के दरमियान जिस राजा हिरण्याक्ष की हत्या आर्यों ने की, वो हिरण्यकश्यपु का भाई था। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने आर्यों पर हमला बोलकर उनको भूमिगत होने पर विवश किया। हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रह्लाद को बहकाकर चालबाज आर्यों ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश किया और बाघ नखों के सहारे धोखे से हिरण्यकश्यपु को मार डाला और प्रह्लाद को राजगद्दी पर बिठाया गया। आर्यों के कपट को जानकर प्रजा विद्रोह ना करे, इसलिए बाघ नखों की कहानी को नरसिंहावतार में बदलकर प्रचारित किया गया। वामनावतार। प्रह्लाद का पोता बलि अनार्यों का राजा बना। बलि को अपने पूर्वजों का इतिहास ज्ञात था। उसने आर्यों को लड़ाई में हराने के लिए उनकी राजधानी अमरावती पर हमला बोल दिया। युद्ध में पराजित आर्यों ने राजा बलि की शरण ले ली। राजा ने उदार मन से आर्यों को शरण दे दी। इसका फायदा उठाकर आर्यों ने धीरे धीरे शिक्षा, संरक्षण एवं व्यवसाय, इन तीनों क्षेत्रों पर पूरा कब्जा कर डाला और बलि को सत्ताहीन कर दिया। और यह अफवाह या भ्रम फैलाया गया कि छोटे कद का वामन, जो तथाकथित भगवान विष्णु का अवतार था, उसने बलि से तीन कदमों के नीचे समाने वाली जमीन का हक मांगा और बलि ने उसे अल्पमात्र समझकर दे दिया। ये तीन कदम में समाने वाली जमीन का हक नहीं, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और संरक्षण का हक था। अनार्य प्रजा में बलि अत्यंत लोकप्रिय था और उसे आमने सामने परास्त करना संभव नहीं था। अतः छोटे कद वाले वामन का सहारा लेकर आर्यों ने राज्य हड़प लिया और इस कुटिलता को वामनावतार का नाम दे दिया गया। परशुरामावतार। बलि के साम्राज्य पर आर्यों ने कब्जा कर लेने के बाद भारत वर्ष में वैदिक संस्कृति और चातुर्वर्ण व्यवस्था चारों तरफ फैल गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में सारा देश बढ़ गया। लेकिन अब नया विवाद उत्पन्न हो गया, क्षत्रिय श्रेष्ठ या ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्षत्रियों के पास राजसत्ता थी, इसलिए वे ब्राह्मणों को नीचा दिखाते थे। ब्राह्मणों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाने के कारण तथाकथित परशुराम अवतार का सहारा लेकर ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए परशुराम ने 21 बार हमला करके क्षत्रियों की भारत वर्ष में हत्या कर डाली। ब्राह्मणों का परंपरागत सम्मान वापस लौटाने की कीमत क्षत्रियों को अपने खून से चुकानी पड़ी। ना ही प्रलय आया, ना ही कल्प आया, ना असुरों ने वेद चुराए। अब कौन सी विपदा आन पड़ी ब्रह्मगण पर, जो भगवान विष्णु एक नया अवतार लेकर आए। सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, सत्य प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रजा बालक प्रभु श्री रामचंद्र की। प्रभु राम, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये। हे राम, मुझे न्याय चाहिए। द्वारपाल, न्याय। द्वारपाल, मुझे न्याय चाहिए। प्रभु, हे राम, द्वारपाल, मुझे न्याय चाहिए। ये क्या हो रहा है वहाँ? आज की इस शुभ घड़ी में ये कैसा क्रंदन है? अन्याय है।
जाओ बंद करवाओ ये सब। महाराज एक ब्राह्मण का ये करुण कंदन है, वो अपने मृत पुत्र को छाती से लिपटाए हुए विलाप कर रहा है महाराज। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से वो त्रस्त है महाराज। किंतु ऐसी शुभ घड़ी में जब राजा रामचंद्र अश्वमेध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, काल और कार्य का औचित्य भी तो देखना चाहिए। यदि सारी प्रजा राजा को अपना व्यक्तिगत दुख सुनाने आए तो राज करना असंभव हो जाएगा। ब्राह्मण देवता का पूर्ण दुख तो जान ले मुनिवर। न्याय देवता, उसका पुत्र अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वो आपको रुक क्यों गए? निर्भय होकर कहो। वो आपको अपने पुत्र का हत्यारा कह रहा है महाराज। नारायण नारायण, ऐसी दुष्टता! न्याय प्रिय राम पर आरोप अनर्थ, घोर अनर्थ। राजा रामचंद्र पर दोषारोपण। ब्राह्मण देवता को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जी महाराज। न्याय कीजिए प्रभु राम, न्याय कीजिए। हे राम, ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है ये! मुझे न्याय चाहिए, न्याय, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। राम राज्य है तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि कोई भी राजा पर दोषारोपण करे। प्रभु मैं दोषारोपण नहीं, सत्य कह रहा हूँ। राम तुम हत्यारे हो, मेरे पुत्र के तुम ही हत्यारे हो। इस राम राज्य में यह अराजकता कैसी, ये कैसा धर्म का राज्य है! आज तक किसी भी पिता के जीवित रहते कभी किसी पुत्र की अल्पायु में मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारे राज्य में अवश्य ही कहीं अधर्म और पाप पनप रहा है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने अपने मन और वचन से कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका फल पुत्र शोक हो। ऐसी अनहोनी घटना केवल अधर्मी और पापी राजा के राज्य में ही घटित होती है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय प्रिय राम, यह मृत्यु नहीं है, हत्या है, और इसका कारण हो तुम। प्रत्यक्ष ईश्वर पर आरोप, तुम्हारी जीवा क्यों नहीं कट गई? इस आरोप को सुनकर हम पृथ्वी में क्यों नहीं समा गए? नहीं गुरुदेव, नहीं। राजा पर प्रजा की देखभाल का पूरा दायित्व होता है। प्रत्येक प्रजागण को हमसे अपनी समस्या कहने का अधिकार है। किंतु ब्राह्मण देवता, आपका हम पर इस तरह आरोप लगाना। मेरा आरोप पूर्ण सत्य है प्रभु राम, मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ। तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो, तुम ही मेरे पुत्र के हत्यारे हो। प्रभु राम, इतना व्यथित क्यों होते हो? माना कि वो ब्राह्मण देवता है, किंतु अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करना भी तो आवश्यक है नारायण। मुनिवर, आप क्यों हमें नरक यातना में ढकेलना चाहते हैं? नरक यातना? नारायण नारायण, ब्रह्म हत्या का आरोप नरक यातना के समान ही है। ब्राह्मण की रक्षा करना और उसकी व्यथा को दूर करना हमारा केवल कर्तव्य ही नहीं अपितु धर्मादेश है। अब हम ब्राह्मण की व्यथा को दूर करने के पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रस्थान करेंगे। किंतु हमारे राज्य में धर्मोल्लंघन का दुस्साहस कर कौन सकता है? नारायण नारायण, तुम्हारी ब्राह्मण धर्म के प्रति निष्ठा देखकर देवता भी स्वर्ग में आनंदित होंगे। हे राम, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, तप और जप करने का अधिकार केवल ब्राह्मण समुदाय को ही है। तुम्हारे राज्य में निश्चय ही कोई पापी शूद्र अपने दास धर्म को त्याग कर मोक्ष सिद्धि हेतु तपस्या कर रहा है।
नारायण नारायण, सतयुग में ऐसी अशुभ घटना कभी नहीं घटी राम। शूद्र? और तब? हाँ, निश्चित ही कोई शूद्र है। मेरे अंतर्ज्ञान से मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो पापी दक्षिण में कहीं छिपकर कार्य सिद्धि कर रहा है, धर्मादेश का उल्लंघन कर रहा है। इस संबंध में धर्मादेश क्या है मुनिवर? धर्म आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शूद्र का सर्वनाश, ताकि सारी प्रजा को विदित हो कि जो कोई वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसे केवल मृत्यु दंड ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी हजारों वर्षों तक नरक यातना भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता को न्याय दिलवाने के लिए उस दुष्ट शूद्र को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आइए गुरुदेव, पहले इस कर्तव्य का पालन करें, तत्पश्चात ही अश्वमेध यज्ञ होगा। गुरुदेव, दक्षिण का सारा अरण्य खोजने के पश्चात भी हमें उस पापी का पता नहीं चला। क्या वो अधर्मी हमारे हाथ से बच जाएगा? क्या हम ब्राह्मण देवता को कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे? इसकी चिंता ना करें राम, हमारी सारी सेना उस दुष्ट को ढूंढने में लगी है। गुरुदेव, वो देखिए, कोई आश्रम जान पड़ता है। चलिए वहां चलकर देखते हैं, उस अधर्मी का पता संभवतः वहीं से चल जाएगा। चलिए। ब्रह्मांड में फैला हुआ सारा अस्तित्व करुणामय है। अस्तित्व की रचना को पंच महाभूत संभालते हैं। पंच महाभूत अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल व आकाश। जल अर्थात वर्षा सभी की भूमि पर बरसती है। वो ये नहीं देखती कि ये भूमि वैश्य की है या शूद्र की। सभी की भूमि पर समान वर्षा होती है, वहां कोई भेद नहीं होता। सूरज सभी के लिए निकलता है, हवा सभी के लिए बहती है। सूरज केवल सवर्णों के लिए ही नहीं निकलता और हवा केवल ऊंची जाति वालों के लिए ही नहीं बहती। वर्षा अगर भेदभाव करती तो सवर्णों की भूमि पर ही बरसती, पशुद्ध वर्षा से वंचित रह जाते। निसर्ग के ये तत्व सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, वहां कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। शिष्यगण, पहले ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज धन धान्य से परिपूर्ण थे, हमारे नगर उन्नत थे, एक सुसभ्य संस्कृति थी हमारी। विदेशी क्रूर आर्यों ने आक्रमण कर हमारी नागरिक सभ्यता को नष्ट कर डाला, हजारों नर नारियों का वध कर डाला और अन्य लोगों को दास बनाकर अपनी वैदिक ब्राह्मणी सभ्यता की स्थापना की। मैं पूछता हूं, उनकी संस्कृति में क्या है? क्या है उनकी संस्कृति में? कुछ नहीं, सारी असमानता है। और इसीलिए हमें शिक्षित होकर उनकी पाखंडता को सारे लोगों के सामने लाना होगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मानव मानव में भेद करने वाले वैदिक धर्म की हमें आवश्यकता नहीं, बल्कि निसर्ग के भेदभाव रहित नियमों को स्थापित करना है। और यही मेरी शिक्षा है शिष्यगण, गांव गांव नगर नगर जाकर समानता की शिक्षा दो, जाति भेद की असमानता को समानता में परिवर्तित करो। प्रकृति कभी नहीं हारती, एक दिन तुम्हारी अवश्य विजय होगी। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन का पूर्ण विराम है मृत्यु, मृत्यु सत्य है। इसलिए तुम्हारा जीवन एक सपना है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबके जीवन की अनिवार्य घटना है मृत्यु। मृत्यु तुम्हारे अहंकार को छीन लेती है, केवल एक मानव की तरह तुम जीते हो, वहां कोई भेद नहीं है। मरने के बाद तुम जन्म लोगे या नहीं, ये पुनर्जन्म की कल्पना मिथ्या है, क्योंकि तुमने इस जीवन को एक मानव की तरह नहीं
बल्कि शूद्र क्षत्रिय या ब्राह्मण की तरह जिया है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था में झगड़े हुए तुम लोग स्वाभिमान के साथ नहीं जी रहे हो। तुम नीच रहकर मर भी गए तो तुम्हारे माथे पर लगा नीचता का कलंक मिट नहीं जाएगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी नीची कहलाएगी। यही अमान्य प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। इसे समाप्त करो। हे अतिथि, मैं आपसे परिचित तो नहीं हूं, किंतु इस आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। आपका प्रयोजन और आगमन सफल हो, आपका मंगल हो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज तक आप जैसे महाज्ञानी ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित रहे। परिचय के अल्पकाल में ही आपने मुझे इतना सम्मान दिया, यह आपके उच्च विचारों और आदर्शों का द्योतक है। हे अतिथिगण, कृपया आप आसन ग्रहण करें। विराजी, मुनिवर, आपके अनमोल वचनों के कुछ अंशों को सुनकर हम आपके कृतज्ञ हैं। ऐसे उच्च विचार तो हमने जीवन में प्रथमता ही सुने हैं। मुनिवर, हम दशरथ पुत्र राम हैं। अहोभाग्य हमारी, आज इस आश्रम की भूमि आपके आगमन से पावन हो गई। स्वयं प्रजापालक ही हमारे आतिथ्य में आए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है, किंतु आज तक आप जैसे सद्गुरु से हमारा परिचय कैसे नहीं हुआ? मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूं कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभूक, मैं शूद्र कुल से हूं। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। छी छी, अब श्रेय शुद्धि के लिए गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र, हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूं। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र ही जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार असंभव। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली है। राम, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है। जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हे कर्तव्यनिष्ठ राम, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निष्कारण ही आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रहे, जिस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं। राजा राम, मैंने कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान है, ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है। देखो, देखा इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा लेकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे? ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है। हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है। और फिर बस, समाप्त करो तुम्हारे वचन। दो अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम, ये अपराधी है,
और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की, पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे। अपनी वाणी को रोको शंभुक, हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूँ, आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवियों में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को कुशल के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई, राजदंड की आड़ में ऋषि का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्ता की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधो ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम, एक शंभुक जाएगा तो दूसरा शंभुक निश्चित ही पैदा होगा। शंभुक मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुणा सुखकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की जय। 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 न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की करो जय जयकार करो। ब्राह्मणों के जाल में फंसे श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। कपट से बालिका वध करने वाले श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करो। अपनी पत्नी का त्याग करने वाले श्री रामचंद्र की जय जयकार करो। महर्षि शंभुक का वध करने वाले राम की जय जयकार करो। करो जय जयकार करो, ताकि इनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ता रहे। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ अभ्यास करो। अभ्यास करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, किंतु युद्ध विद्या में योद्धा को युद्ध की संपूर्ण कलाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल एक कला में पारंगत होने से कोई भी पूर्ण योद्धा नहीं हो सकता। किंतु गुरुदेव, धनुर्विद्या को तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तुम तो जब तब अपने प्रशंसा में मगन रहते हो। मेरी प्रशंसा?
हाँ धनुधारी होना। भीम, तुम्हें विषय को भटकाना अच्छी तरह आता है। भीम राता की तो ये आदत है, बिना किसी कारण के किसी से भी उलझ पड़ते हैं। किंतु नकुल, तुम क्यों भीम भ्राता की बात पर कटु टिप्पणी कर रहे हो? भीम की गदा के सामने तो बड़े बड़े धनुर्धारी मैदान छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। हम पांडव कितने भाग्यशाली हैं, जो गुरुदेव जैसे का हमें आशीर्वाद मिला। अर्जुन सत्य कह रहा है गुरुदेव, आपकी विशेष प्रेम तथा वात्सल्य से ही हम पांडव सारे पृथ्वी स्थल पर अजय होंगे। मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने हमेशा तुम सबको पुत्रवत माना है और तुम्हें शिक्षा देने हेतु अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का भंडार तुम्हें सौंपा है, जो कौरवों के पास भी नहीं है। गुरुदेव आश्चर्य, रक्त की एक बूंद भी नहीं बिना क्षति पहुंचाए? गुरुदेव ये कला आपने आज तक हमें नहीं सिखाई। अर्जुन, आज तक मैंने अपने मन और वचन से अपनी संपूर्ण विद्या का दान केवल तुम ही लोगों को दिया है। पता नहीं कौन होगा ये धनुर्धारी, धनुर्विद्या का इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं भी प्रथमतः ही देख रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं कौन है ये धनुर्धारी। कौन हो तुम लोग भद्र पुरुषों? तुम्हारे आगमन से मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। मैं युधिष्ठिर, ये मेरे अनुज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्षमा चाहता हूं वीर पुरुषों, मुझे पता नहीं था कि आगंतुक आप लोग हैं। क्या उस कुत्ते का मुख तुमने ही? जी हाँ मान्यवर, वो मेरे अभ्यास की एकाग्रता को भंग कर रहा था। कहां से सीखी है कला? कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु हैं गुरुदेव। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। उठो वत्स। हे वीर पुरुष, कौन हो तुम? तुम्हारी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर हम प्रभावित हुए। धन्य भाग मेरे गुरुदेव, आप स्वयं चलकर मेरे अभ्यास स्थल तक आए। हे वीर धनुर्धारी, कहां से सीखी है तुमने ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? किस वंश के हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी? आदिवासी और धनुर्विद्या, किसने सिखाई है तुम्हें ये विद्या? गुरुदेव चलिए, आप स्वयं उनके दर्शन कर लीजिए। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव ये रहे मेरे परम पूज्य गुरु श्री द्रोणाचार्य जी। मैं और तुम्हारा गुरु? हाँ गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरुदेव आपने तो हमें वचन दिया था, फिर ये विद्या इसे कैसे सिखाई? देखो एकलव्य, मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी भी तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव मैंने तो अपने मन से आप ही को अपना गुरु माना है, मेरा अंतर्मन सदा आप ही की पूजा करता आया है। गुरुदेव या आप ही की प्रतिकृति है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकलव्य तुम ही सारा वृत्तांत विस्तार से कथन करो। गुरुदेव आप भूल गए, स्मरण कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व मैं आपके पास धनुर्विद्या प्राप्त करने की कामना लेकर आया था, किंतु आपने मुझे गुरुदेव
सचमुच भूल गए मुझे। युद्ध कला में सबसे महत्वपूर्ण आयाम है एकाग्रता। योद्धा अगर एकाग्र चित्त हो तो गदा ही क्या, वो किसी भी शस्त्र का प्रयोग निपुणता से कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। आज तुम लोग मेरे समक्ष शस्त्र विहीन उपस्थित हो, क्योंकि विशेष प्रयोजन से मैंने तुम लोगों को निशस्त्र यहां बुलाया है, ताकि तुम लोग एकाग्र चित्त को प्रधानता दे सको। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे एक याचना करने आया हूं। याचना? कैसी याचना? गुरुदेव, बचपन से ही मैं एक स्वप्न देखते आया हूं कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूं। गुरुदेव, मैं आपसे याचना करता हूं कि आप मुझे विद्यादान करें। उठो वत्स, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम, किस वंश के हो? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूं। क्या आदिवासी? क्या सेवा धर्म छोड़कर शूद्र क्षत्रिय बनेंगे, धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे? शूद्र होकर धर्म उल्लंघन का विचार भी मन में लाने का साहस कैसे कर रहे हो तुम? अब तो भ्राता अर्जुन, शूद्र भी तुम्हारे साथ धनुर्विद्या सीखने लगेंगे। भ्राता भीम, अब तुम भी सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कल कोई शूद्र गदा उठाए तुमको ही ललकारने लगे। देखो एकलव्य, धर्मानुरूप धनुर्विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, और तुम्हें ये विद्या सिखाकर मैं धर्म के नियमों की बलि नहीं दे सकता। मेरा तुम्हें एक उचित सुझाव है, धनुर्विद्या सीखने का विचार तुम अपने मन से ही त्याग दो। किंतु गुरुदेव, मेरा स्वप्न। देखो एकलव्य, मैं विवश हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ अभ्यास करो, अभ्यास करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो आज्ञा गुरुदेव। एकलव्य, कुशल धनुर्धारी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, जिसे देखकर मैं आज गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो एकलव्य, क्या चाहिए तुम्हें? बस बस गुरुदेव, मुझे आपका कृपाशीष चाहिए, मुझे आपका शिष्य बनने का सौभाग्य मिले, मुझे और क्या चाहिए? गुरुदेव, मैं अपने आप को सारे जगत में भाग्यशाली समझता हूं, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें गुरुदेव। हे गुरु भक्त धनुर्धारी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा जो पृथ्वी आकाश और पाताल लोक तक अपनी विजय पताका फहराने की क्षमता रखता हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाएगा। किंतु किंतु क्या गुरुदेव? वत्स, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं, किंतु शिष्य के विद्या में निपुण हो जाने के पश्चात गुरु दक्षिणा देनी होती है, तभी उसकी विद्या पूर्ण होती है। आदेश दें गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी एकलव्य। मैं गुरुदेव, मैं एक निर्धन आदिवासी, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं अपना जीवन भी अर्पण कर दूं तो कम है। तुम्हारा जीवन लेकर मैं तुम्हारे जैसा शिष्य खोना नहीं चाहता एकलव्य। मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, गुरु दक्षिणा में केवल तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, यह आप क्या मांग रहे हैं? अंगूठे के बिना तो धनुर्धर। जीवन अर्पण करने की बात करते हो,
किंतु गुरुदक्षिणा में शरीर का एक तुच्छ अंग एक अंगूठा नहीं दे सकते। सुनो एकलव्य, मैं तुम्हारा इष्ट चाहता हूं, भला चाहता हूं मैं तुम्हारा। तुमने अपने परिश्रम से धनुर्विद्या तो प्राप्त कर ली, किंतु शास्त्र एवं परंपरा के नियमानुसार पाप किया है, घोर पाप किया है तुमने। वत्स, जो भी जिस कुल में जन्म लेता है वो उसके पिछले जन्म के पाप एवं पुण्य के आधार पर लेता है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप ही है जो तुम इस जन्म में आदिवासी हो, शूद्र हो। शास्त्र एवं परंपरा के नियमानुसार धनुर्विद्या प्राप्त करने का एवं उसका प्रदर्शन करने का अधिकार केवल उच्च वर्णीय क्षत्रियों को है। तुम्हें धर्म का कठोरता से पालन करना चाहिए। तुम आदिवासी हो, क्षत्रिय नहीं। गुरुदक्षिणा में अंगूठा देकर तुम धर्म का पालन करोगे, यही कर्म उचित है। वत्स, परंपरा के सम्मान के लिए तुम्हें गुरु का आदेश नहीं होगा। ठीक है गुरुदेव, जब मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है तब मुझे शिष्य का कर्तव्य निभाना ही होगा। हां गुरुदेव, मैं शिष्य का कर्तव्य निभाऊंगा, ताकि संसार यह न कह सके कि एकलव्य गुरुदक्षिणा देने में असमर्थ था। किंतु गुरुदेव, अंगूठा विच्छेद करने से पहले मैं एक बार आपसे अनुमति चाहता हूं धनुष उठाने की, ताकि उस निरपराध प्राणी को मैं मुक्ति दे सकूं जो मेरे अभ्यास में विघ्न डालकर अपना मुखद्वार बंद करवा बैठा है। हे मेरे शूरवीर एकलव्य, तूने ये क्या कर दिया? अपनी शक्ति और कौशल्य को अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया। अरे, तेरे धनुष से निकले तीरों की बौछार को देखकर लग रहा था कि तू, सिर्फ तू मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालकर मेरा सम्मान मुझे वापस लौटा देगा। मगर अफसोस, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का ब्राह्मण गुरु का यह कपट तंत्र तुझे समझ में कैसे नहीं आया? अरे, जिसने तुझे अपना शिष्य माना ही नहीं, उसे तू अपना गुरु मानकर गुरु दक्षिणा में अंगूठा भेंट दिया। वाह एकलव्य, तेरी धनुर्विद्या से न जाने कितने धनुर्धारी वीर जन्म लेते, और राज सत्ता की लालसा का ये महाभारत एक समानता का संग्राम होता, और लोग कृष्ण की गीता की बजाय तेरी वीरता के गीत गाते। एकलव्य,
विशाल भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म चारों तरफ फैल गया। ब्राह्मणों की अधिसत्ता ने शोषण का घृणित रूप धारण कर लिया। ईश्वर की भयप्रद मान्यता और आत्मा के अस्तित्व की विचारधारा को जबरन थोप दिया गया और इस आध्यात्मिक पाखंड की चपेट में सारा भारत वर्ष आ गया। सब तरफ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला, अंधकार ही अंधकार। अब प्रतीक्षा प्रकृति को मानव मुक्ति के उद्घोषणा की, प्रतीक्षा प्रकृति को शाश्वत सत्य की, प्रतीक्षा प्रकृति को सदियों के गहन अंधकार के समाप्ति की। क्या अब कोई आएगा जो मानव जगत को पाप पुण्य के भ्रमजाल से मुक्त करेगा? अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। परम सत्य की खोज के समय मुझे ऐसा कोई तत्व नहीं मिला जिसने ये संसार बनाया हो, जिसे ईश्वर कहते हैं। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो मानव जाति के भाग्य का निर्माण करता हो। इस जगत में सभी अनित्य है, जिसका निर्माण होगा वो नष्ट होगा, यही संसार का नियम है। अतः भिक्षुओं, ग्राम ग्राम नगर नगर जाकर मानव मानव में भेद करने वाली इस व्यवस्था को करुणा से दूर करो। साधु साधु साधु। हाँ, हमें जल चाहिए। जल? हाँ, परंतु। परंतु? परंतु क्या? हमारे हाथ से जल कोई ग्रहण नहीं करता, हमारे स्पर्श से जल अपवित्र हो जाता है, हमें क्षमा कीजिए। माते, हमें प्यास लगी है और हमें जल चाहिए। नहीं, हमें पाप लगेगा। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। किसान भी है, कारीगर भी है और व्यापारी भी और राजा भी और शूद्र भी हैं। क्या समरसता है पंडित जी, देखिए तो। वाह वाह वाह, समरसता का इससे अच्छा उदाहरण कहीं दिखाई देगा? Thank you.
सभी संकारा अनेक जाति। तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। यदि इस घोर असत्य को मान भी लिया जाए तो जब तुम मरने वाले हो तो तुम्हें बनाने वाला यह ईश्वर कैसे जीवित रह सकता है। स्वयं को ईश्वर के भय से मुक्त करो, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, तभी तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तथागत, क्या परंपरागत जाति व्यवस्था से हमारी मुक्ति संभव है? परंपरा सत्य नहीं है। जाति व्यवस्था मानव निर्मित असमानता की व्यवस्था है। जन्म से कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता। मानव अपने कुशल कर्मों से ही जाना जाएगा। जो सबके मंगल के लिए कर्म करता है वही मानव है। परंपरा को तोड़ने से ही मुक्ति संभव है। यही सर्वकालिक सत्य है। साधु साधु साधु। बताए पंडित जी, ये हमारे कहाँ चले गए? इतना महत्वपूर्ण काम आ गया है और ये जगह पर नहीं है। अरे शूद्र, आपको बोलती है शूद्र, मेरी प्रदक्षिणा किए बिना और वंदना किए बिना तू जा रहा था? क्या व्यवस्था के रीति रिवाज भूल गया तू? ए शूद्र, कहाँ जा रहा है तू? है तेरी मति मारी गई है क्या? हमारे ब्राह्मण जी की गाय मरी पड़ी है, घर चल और उसे उठा लिया। जब गाय जीवित थी तो तुम्हारी और मर गई तो मेरी। गोदान तुम लेते हो, गाय का दूध तुम पीते हो और मरी गाय मैं उठाऊं? मूर्ख, ब्राह्मण से भी बात करता है? अरे चमड़ी तो तू ही लेता है ना, और गोमांस भक्षण भी तो तू ही करता है, है? ब्राह्मण देवता, इतनी दया दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, इस बार चमड़ी भी तुम ही रखो और गोमांस भी तुम ही खाओ। उस शूद्र का इतना दुस्साहस कि ब्राह्मण की आज्ञा की अवहेलना करे, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसे बाद में नष्ट कीजिएगा, पहले इस पशु को तो हटाइए। क्या अनर्थ बोल रही हो तुम? ब्राह्मण होकर मैं चमड़ी को हाथ लगाऊं? अजी, दान भी तो इसी हाथ से लेते हैं आप। पंडितान, क्रोधित क्यों होते हैं? क्रोध करना है तो उन शूद्रों पर कीजिए, शूद्रों पर जिनकी अचानक मति मारी गई है। वो सब विश्राम करेंगे और हम सब कार्य करेंगे। समय आ गया है, ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। सत्य वचन प्रभु, सूर सुरा सुंदरी क्या दीन थे, अब तो सब कुछ एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। पहले हम इन शूद्रों को अपने से दूर रखा करते थे, लेकिन अब वही हमसे दूर रहने लगे। शूद्र हमारी सेवा करते थे, आजकल वो अपने स्वयं के काम काज करने लगे हैं, अध्ययन कर रहे हैं वो लोग।
भाषा और ज्ञान जिसका हमें पैतृक अधिकार था उसे भी ये शूद्र छीन ले जाएंगे। इतना ही नहीं, वर्ण व्यवस्था समाप्त करने के लिए वे गोष्ठियां भी कर रहे हैं। वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था पर गौतम बुद्ध ने कुठाराघात किया है। समस्त आर्यावर्त में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो रहा है। विचार करो, अगर कोई नीची ना रहे तो हम ऊंच कैसे रहेंगे? खुद सत्य कह रहे हैं आप। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। इस तरह से तो हमारे अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस विपदा से हमें एक ही महापुरुष बचा सकते हैं, वो है हमारे मनु महाराज। उचित कह रहे हैं आप। चलो 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 चलते हैं। चलिए चलते। वेद शास्त्र पारंगत महामुनि मनु महाराज, अब लोगों ने हमारा आदर करना छोड़ दिया है। महाराज, हमारे आदेशों की अवहेलना करने लगे ये लोग। शूद्र तो हमारे सामने गर्व से तनकर चलते हैं। हमारे जीवन यापन का कोई साधन नहीं रहा, कोई दान दक्षिणा नहीं देता। भूखों मरने का समय आ गया है। हमारे वैदिक धर्म का किसी को भय नहीं रहा महाराज। बुद्ध के इस धर्म से हमारा विनाश हो रहा है महाराज, विनाश। हमारा और आपका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण धर्म, वेद शास्त्र और पवित्र पुराण प्रभावहीन हो जाएंगे महाराज। वेदों को मिथ्या समझने वाले ब्राह्मण धर्म के शत्रुओं, ब्राह्मण जाति के श्रेष्ठत्व को स्थायी रखने के लिए मैं ऐसे दंड विधान की रचना करूंगा कि कोई भी ब्राह्मण के सम्मुख शीश उठाकर चलने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं मनु वेदों को प्रमाण मानकर ऋषि परंपरा के वचनों को नियमबद्ध करता हूं। धर्मोपदेशम दर्पेणम। शूद्र अगर गर्व से उपदेश करता हो तो राजा उसके मुख एवं कान में उपला हुआ तेल डाल दे। वक्रे श्रोते च पार्थिवा। केन केन चिद अंगेन। शूद्र हिंसा जिस अंग से ब्राह्मण को प्रहार करे उस अंग को छेद दिया जाए। तत् देवस तन मनोरम शासनम। पाणी मुद्देम दंड। ब्राह्मण को मारने हेतु वो अगर हाथ या लकड़ी उठाता है तो उसका हाथ तोड़ना उचित। ग्रहर गोपात। क्रोध से पाव का प्रहार करता हो तो उसका पाव काटना योग्य है। ब्राह्मण के साथ आसन पर शूद्र बैठना चाहे तो उसके कमर पे तप्त लोहे से चिन्ह करे तथा राज्य के बाहर निकाल दे, अथवा वह नमरी हिसाब से उसका कुल्हा काटे। गर्व से थूक कर ब्राह्मण का जो शूद्र अपमान करे उसके दोनों होंठ राजा काट दे। उसके सामने अगर मूत्रों सर कर अपमानित करता है तो उसका शिश्न काट दे, और उसके सम्मुख पाता है तो गुदा काट दे।
सुनो सुनो, हमारे राजा का ऐलान सुनो। हमारे राज्य में धर्म रक्षा, सामाजिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए मनु का दंड विधान लागू किया गया है, जो चातुर्वर्ण की रक्षा के लिए निर्मित विधान का पालन नहीं करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। शूद्र यदि किसी ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करे उसे होते हुए तेल की कढ़ाई में डाल। यदि शूद्र ने ब्राह्मण की ओर देखने की दुष्टता की तो उसकी आंखें फोड़ दो। शूद्र यदि छिपकर भी वेदों का पाठ सुनता हो तो उसके कान में उबलता हुआ तेल डाल दो। अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्टि छेदये नृपः अवमुत्रयतो मे। अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्टि छेदये नृपः अवमुत्रयतो मेद्रमवशरधयतो बुदम। Oh!
सदियां बीत जाती है ज्ञान को संग्रहित करने में। ये धर्म समीक्षा, ये नीति शास्त्र, ये वास्तु शास्त्र, ये नगर रचना शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, क्या नहीं था यहां पर। कितने दूर देशों से आते थे विद्यार्थी यहां पर ज्ञान प्राप्ति के लिए। यहां इस भारतवर्ष के गौरव स्थान पर ये निरी भिक्षुगण न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष लगाए होंगे इन्होंने इन सब का निर्माण करने में। क्या अपराध था इनका? ज्ञान को संग्रहित कर लोगों तक पहुंचाना, क्या यह अपराध था इनका? मानव जाति के कल्याण के लिए दिन रात मर खपना, क्या यह अपराध था इनका? अरे पाखंडियों, क्या अपराध था इनका? कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? तुम्हें तो प्रिय है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा वर्चस्व, जिसके लिए तुमने सहारा लिया मनुस्मृति का और यातनाएं दी हम सबको। किंतु एक बात ध्यान रखना, मैं इस भारत वर्ष का मूल निवासी तुम्हें कहता है, ये जो तुमने आग लगाई है, इसे आने वाला समय कभी कभी माफ नहीं करेगा। और यही आग तुमको, तुम्हारे मनु को और उसकी मनुस्मृति को चलाकर भस्म कर देगी। शक्तिनापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शक्तिनापि ही शूद्रेण, शक्तिनापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शूद्रोपि धनमासादय ब्राह्मणानेव बाधते। शूद्रोपि धनमासादय ब्राह्मणानेव बाध्यते। ब्राह्मणानेव बायते नहीं, ब्राह्मणानेव बाधते। अर्थात सामर्थ्यवान होने पर भी शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संचय होने पर वे ब्राह्मणों के लिए उपद्रव खड़ा करते हैं। दादाश्री, क्या शूद्र उपद्रवी होते हैं? बहुत उपद्रवी होते हैं, बहुत उपद्रवी होते हैं। उन्हें कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए, न धन का न ज्ञान का। उन्हें सदैव अपना दास बनाकर रखना चाहिए। क्यों दादाश्री? क्योंकि उन्हें अवसर मिले तो वे हमसे प्रतिशोध लेंगे बेटा। अच्छा। हम संख्या में कम हैं,
किंतु ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने श्रेष्ठत्व का अधिकार खोना नहीं चाहिए, यही हमारा ब्राह्मण धर्म है। ये बात तुम्हें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी स्मरण में रखनी चाहिए, अब भी और जब तुम वयस्क हो जाओ तब भी और निरंतर। जी दादाश्री। अभी जो तुमने श्लोक कंठस्थ किया है ना, वह हमारे महामहिम मनु जी का है, उन्हीं के परंपरा के जगत गुरु श्री शिवाचार्य जी का कल प्रातः प्रवचन आयोजित किया गया है, उन्हीं के वचन सुनने के लिए हमें प्रस्थान करना है। अभी हम विश्राम करेंगे। शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शक्तिनापि हि शूद्रेण न कार्यो धन संचय। हे धर्मरक्षक प्रजागण, मैं आज आप सबको महान सनातन धर्म की गौरव गरिमा से अवगत कराते हुए स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। राम और कृष्ण जैसे देवताओं का यह वैदिक धर्म सारे विश्व में अति प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है। समाज का हर व्यक्ति अपना जीवन सुखपूर्वक व्याप्त करे, इसलिए उसे सनातन धर्म का एवं उसके नियमों का कठोरता पूर्वक अपने जीवन में पालन करना होगा, तभी समाज की हर जाति का व्यक्ति सुखमय स्वर्ग को प्राप्त होगा। हर एक व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के कर्म के आधार पर ही चार वर्णों में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी को अपने कर्म बड़े ही भक्ति भाव से मनुस्मृति के अनुसार ही करने चाहिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्तानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम परिमाणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव जाति पर जब जब भी संकट आते हैं, तब तब उनके संकट के निवारण के लिए साक्षात भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तदनुसार भगवान के नवे अवतार श्री भगवान बुद्ध अवतरित होकर मनुष्य जाति को समता एवं बंधुत्व का संदेश देकर कहते हैं कि सभी मनुष्य समान है, सभी चारों वर्ण के व्यक्ति एक जैसे है, सिर्फ उनके कर्म भिन्न भिन्न है। इसलिए भगवान विष्णु के नवे अवतार भगवान बुद्ध कहते हैं कि झूठ, सरासर झूठ, पाखंड है ये सब। भाइयों, इसके भूल भुलैया पाखंडी बातों के जाल में ना फंसो। ये ब्राह्मणवादी हम सबको बहका रहा है, जिस महान तथागत बुद्ध ने समता का मार्ग बताकर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा है, तो फिर वो ईश्वर के अवतार कैसे हुए? ये पाखंडी ब्राह्मणवादी बुद्ध को भगवान का अवतार बताकर मनुवादी वर्ण व्यवस्था के चपेटे में लेकर हमें फिर एक बार दास्ता के अंधेरे में धकेल रहा है। अरे क्षत्रिय, देख क्या रहे हो? अरे धर्म डूबा जा रहा है। राज सत्ता के आश्रय और राजदंड के दमन से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जब जब और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारे पाखंड की धज्जिया उड़ाता रहूंगा। पकड़ लो इसे, इस अधर्मी की हत्या कर दो, ताकि कोई पापी और अधर्मी इस धर्म के विरुद्ध आवाज न उठा सके। जाओ इसे पकड़ो और खत्म कर दो, यही तुम्हारा कर्तव्य है, जाओ। हे मनु महाठगुआ, महाठगुआ महाठगुआ, हम जानी क्षत्रिय के संग रास रचायो, क्षत्रिय के संग रास रचायो, बामन हाथ बिकानी रे मनु महाठगुआ, हम जानी रे मनु महाठगुआ, हम जानी मनु महाठगुआ, हम जानी रे मनु महाठगुआ, हम जानी।
क्षत्रिय के संग रास रचायो बामन हाथ बिकानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनुस्मृति गालियो लुआखा कियो बहुत सैतानी रे बाबा कियो बहुत सैतानी दलितन के घर आग लगायो छूने दियो ना पानी रे भाई छूने दियो ना पानी हे जीरे चारों वर्ण में देश को बांटा चारों वर्ण में देश को बांटा गजब तेरी मन मानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी दलितन को तो कियो निरक्षर सदियां यूं ही बितानी साथ गरीबी पीछे छायो कैसी वेद पुरानी रे बाबा कैसी वेद पुरानी मानव से मानव लड़वायो खून से लिखी कहानी रे बहुजन खून से लिखी कहानी हे जीरे जाग बिरादर बांध मुष्टिका जाग बिरादर बांध मुष्टिका बहुजन राज चलानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी क्षत्रिय के संग रास रचायो क्षत्रिय के संग रास रचायो बामन हाथ बिकानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी हे मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी मनु महाठगवा हम जानी रे मनु महाठगवा हम जानी रे भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हिंदू समाज आडंबरों से घिरा हुआ था। ब्राह्मणों का महत्व अधिक था। भगवान के नाम पर और मंदिर की आड़ में व्यभिचार चल रहा था। ऐसे ही वातावरण में धार्मिक सुधारक के रूप में संत आए। तमिलनाडु के संत अभयाचार्य, त्यागराज, पोतन्ना और वैमन, आसाम के संत श्री शंकर देव, उड़ीसा के संत जगन्नाथ दास और सरल दास, कश्मीर के संत परमानंद और लल्लेश्वरी, राजस्थान के संत दादू दयाल, बिहार के संत दरिया, गुजरात के संत नरसिंह मेहता, पंजाब के संत गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, उत्तर प्रदेश के संत कबीर, महाराष्ट्र के संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखा मेला और सोहराबाई इत्यादि संतों ने मानवीय धर्म पर जोर दिया। इन्होंने जो कुछ कहा उसका आधार वेद या धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि निजी अनुभव था। संत कबीर और संत तुकाराम ने अपने विद्रोही विचारों से ब्राह्मण समाज में खलबली मचा दी। गुरु नानक ने जाति व्यवस्था को नष्ट कर ब्राह्मणवाद को ही खत्म कर दिया। तिरुवल्लुवर, गोरखनाथ, सावतामाली, गोरा कुंभार, सेनानाई, मीराबाई, शारदा मणिमा, रमन महर्षि और मेहर बाबा जैसे संतों ने भूत प्रेत, अंधविश्वास और मंत्रोच्चारण का खंडन किया। समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड को ललकारा और अपनी विद्वत्ता से यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान प्राप्ति उच्च जात वालों की बपौती नहीं है। इन संतों के वचन, उपदेश, दोहे, अभंग और आरतियों से समाज प्रभावित तो हुआ किंतु परिवर्तित नहीं हुआ,
क्योंकि समाज का अंतकरण ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। सुनो सुनो सुनो, पूना के नागरिकों, विद्वानों, प्रजाजनों, ब्राह्मण कुलोत्पन्न मेहरबान पेशवा सुनो। राजाधिपति श्रीमंत पेशवा महाराज राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। महाराज का राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाएगा। प्रजाजनों से आह्वान किया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में हाजिर हो। बहुत खुशी की बात है बापट जी, अब तो हमारा ही राज है। इससे पहले हमारा राज नहीं था। अरे अप्रत्यक्ष राज भी कोई राज होता है? हम कहे और राजा सुने, मजा तो अब है। हुकूमत भी हमारी और सियासत पर भी हम बैठे हैं। कैसी कही? क्या खूब कही। अब देखना शासन ऐसा ऐसा चलाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग कहेंगे कि राज करना सीखना है तो हमसे सीखो। रंगीला है तू। अरे क्यों ना बनू, पेशवाओं का राज ही मजा लूटने के लिए है। क्या नाचती थी, हाय हाय उसके घुंघरों की आवाज अभी तक मेरे कान में, चन 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 चन। अरे आवाज वो नहीं सुन रहा तू, उसकी हरामजादे की आ रही है।
सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। रुक वहीं रुक, सुन तुझे बोला ना रुकने के लिए। यद्राष्ट्र शूद्र भूमि विनश्यात् पात्र तस्कृत्य दुर्भिक्षणा विद्या विदितम्। अर्थात जहाँ पर शूद्र रहते हैं वह स्थान अकाल और महामारी से नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है, ऐसा है? ए निज, तुझे मालूम नहीं कि तुझे आधी रात या सूरज सर पे हो तभी बाहर निकलना चाहिए? तू हमें रोग पीड़ित कर भ्रष्ट करेगा क्या? पेशवाओं के राज में इतनी दृष्टिता, इनको तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। फिर याद रखना, फिर कभी ऐसी गलती की तो माफ नहीं करेंगे। न जाने पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे। छी छी, चलो बचकर, संभल कर, छाया से बचकर भी चलो 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 चलो। नहीं, मत मर, मत मर। मामा, मत मर। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उनमें से। क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? मैं अछूत हूँ ना, मैं किसी को छू नहीं सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता। मेरी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते। ये मटका मैं जमीन पर थूकता हूं, गंदी हो जाती, तो ये थूकने के लिए मैं चलता हूं तो मेरे पैरों से जमीन मैली हो जाती, तो मिटाने के लिए झाड़ू। संभल के, संभल के। चार दिन से कुछ खाया नहीं, बड़ी भूख लगी, भूख के कारण निकल पड़ा। इस समय मुझे नहीं निकलना चाहिए, रात में सूरज सर पे हो तभी निकलना। गली निकल कर नहीं निकलूंगा, पनीर अछूत मारा मुझे, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। क्या हो गया तेरा? क्या बना दिया तुझे? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसका? कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा मिल रही है इसे, इस इंसान को? इंसान, इंसान, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान, देखो कितना जलील बना दिया इसे। अरे विडंबना का कौन सा रूप है? तू मर क्यों नहीं जाता? तू जिंदा क्यों है? मर जाता तो अच्छा था, तेरे लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है। देख, मेरे शब्द तेरी अपमान को व्यक्त नहीं कर पा रहे मेरे भाई। किसे किसे जवाब मांगू मैं तेरे इस अपमान का? किसे? भारत की कौन सी सभ्यता से, विश्व की कौन सी संस्कृति से? देखो देखो देखो, तुम्हारी मेरी तरह बने साढ़ मास के इंसान की ये हालत उसके अपने ही घर में देखो चल रहा है। अरे ये चल रहा है, झाड़ू बांध कर चल रहा है और मिटा रहा है अपने निशान अपने ही जमी से। ये मटका है थूकने के लिए। अरे थूक थूक तो इस मटके में थूक, थूक अपने वर्तमान पर, थूक तो अपनी तकदीर पर, थूक तो अपने आप पर, थूक। Bye.
पिछवाए गए अंग्रेजी राज क्या है? हमारा तो वर्चस्व समाप्त हो रहा है। काला या तस्मे नमा। हमें जो अधिकार वेदों ने दिया है वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। ए, क्या हो गया भाई, क्यों रुक गया है? हटो, रोको रोको, रोक दो बारात को। क्या हुआ? अरे क्यों, क्या हुआ? बारात क्यों रुकी? क्या हो गया मान्यवर? कुछ गलती होगी हमसे? ये बारात किसकी है? ये बारात तो हम ब्राह्मण वृंद की है। फिर ये माली ओछी वर्ण का फुले यहाँ कैसे? काका, ये मेरे मित्र हैं, मैंने ही इन्हें आमंत्रित किया है। चार अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से ये शूद्र हमारी बराबरी के हो जाएंगे। चांडाल, शूद्र ये हमारे मित्र कभी नहीं बन सकते। यदि एक शूद्र तुम्हें इतना ही प्रिय लग रहा है तो हमारा यहाँ क्या काम? हम चले बारात छोड़कर। चलो भाइयों। निकला जा रहा है। दुत्कार दिया। क्यों? क्योंकि मैं शूद्र हूं, अधिकार खो गया है मेरा बराबरी से चलने का। पढ़े लिखे सभ्य शूद्र से असभ्य ब्राह्मण ज्यादा सम्मानित है। इनकी तुलना में तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैं माली समाज का हूं तो मेरी यह अवस्था है। अछूतों की न जाने क्या होगी। नहीं, मैं इस लांछित व्यवस्था को खंडित करूंगा। यह कैसा कानून है कि माथे पर तिलक लगा लिया तो अधिकार आ गया बाकी सबको अपमानित करने का। अब सामाजिक समानता का निर्णय ब्राह्मण नहीं, हम करेंगे। हम करेंगे। हम करेंगे। अरे तो मास्टर नहीं है। अरे चलो। आई 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 आई, मास्टर नहीं आई। ये लो, आ गई फिर पढ़ाने। ए, चल तू जा अंदर, कहीं इसकी मनुष्य छाया का असर तुझ पर ना पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी, वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभाले, कपड़े ही तो धोने। बढ़िया स्त्रियों को शिक्षित करने वाली। हाँ, राम राम मास्टर निभाई। सासुबाई, ओ सासुबाई, क्या है? हाँ, राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू मुई मुंह उठा कर चली आई बेशरम कही की। औरा जात पर कलंक हो कलंक, तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। सावित्री, सावित्री,
जानता हूं मैं, तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री। देखो सावित्री, यह समाज झगड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में, अपने अज्ञान में ही आनंदित रहते हैं लोग। ब्राह्मण पाप पुण्य की भाषा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया है उन्होंने। मनु ने कहा था, नहीं लिखा था, कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु के इस विधान से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। यह समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता, अगर कोई उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है। ब्राह्मणवाद का अहंकार उस पर गोबर फेंकता है। इसे निराश नहीं होना चाहिए सावित्री, बिल्कुल नहीं। हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो अपमान ही करेंगे। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कब तक इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा, कब तक ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे। हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सर्वथा तरि ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च संहिता सर्वे कलशाम्बु समापते अत्र गायत्री सावित्री अव शांति पुष्टिकरी तथा आयाम तु देव रक्षार्थ दुरिता क्षयकारका न गंगे च यमुने चैव अव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स सन्निधि कुरु कुरु। पंडित जी कहाँ खो गए आप? हाँ, क्या साक्षात ब्रह्मा जी से मंत्र वार्ता हो रही है क्या आपकी? हाँ, हम ब्रह्म वार्ता क्यों करें? हाँ, क्या आप जानते नहीं ब्राह्मण के शरीर में खुद ब्रह्मा वास करते हैं? अच्छा, किंतु आप इस समय जिन मंत्रों का पठन कर रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, वेदोक्त नहीं, और आप इस समय स्नान करके भी नहीं आए। क्या बात है भागवत जी? महाराज, नारायण स्वामी इस समय जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, किंतु राजा के स्नान के समय कभी भी वेदोक्त मंत्र पढ़ने का प्रावधान है, और इसके लिए भज्जी को स्नान करके आना अनिवार्य है, और इस समय भज्जी स्वयं ही स्नान करके नहीं आए। भज्जी, बिना नहाए आप मंत्रोच्चार करके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं? महाराज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वेद मनुस्मृति के नियमों से ही कर रहा हूँ। इसका अर्थ बिना नहाए मंत्र पठन करने का अधिकार वेद मनुस्मृति ने आपको दिया है। महाराज, कदाचित आप भूल कर रहे हैं, वेदोक्त पद्धति से विधि करते समय स्नान किया जाता है, पुराणोक्त पद्धति से विधि करते समय नहीं। आप भूल रहे हैं भट्ट जी, भागवत जी का कथन एकदम उचित है। शास्त्रानुसार राजा के स्नान विधि के समय मंत्र पुराणोक्त पद्धति से नहीं अपितु वेदोक्त पद्धति से पठन करना चाहिए, तथा वेदोक्त पद्धति से पहले पुरोहित का स्नान करना अनिवार्य है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ महाराज। जिस तरह आप राजा के कर्तव्य से भलीभांति परिचित हैं, ठीक उसी तरह मैं भी पुरोहित के कर्तव्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तात्पर्य ये कि मैं ये सारा विधि पुराणोक्त पद्धति से बिना स्नान किए ही कर रहा हूँ। अर्थात आप हमें क्षत्रिय कुलवंशी ना समझकर आप उचित ही समझ रहे हैं राजर्षि। जब तक सर्वशक्तिमान पुरोहित वर्ग आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं देता तब तक। नारायण भट्ट, धर्मानुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ है महाराज, और मैं अपने ब्राह्मण धर्म का यथावत पालन कर रहा हूँ। जब तक आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक आप मेरे लिए शूद्र समान ही हैं। मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये तुम मुझे बताओगे? मैं ठुकराता हूँ तुम्हारे नीति नियमों को,
तुम्हारे चातुर्वर्ण के षड्यंत्र को। तुम वही पुरानी घिनौनी श्रृंखला की कड़ी हो जिन्होंने हमारे श्रद्धेय पूर्वज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्हें शूद्र कहकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया। लेकिन मैं तुम्हारे इन पाखंडों को चलने नहीं दूंगा। निकल जाओ यहां से। जहां राजा के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो सामान्य जनों का क्या। मुझे ही कुछ करना होगा। वर्णवाद ने हमें ही अपमानित किया है। हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण है। जब हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है तो प्रजा को न जाने क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते होंगे। कुलकर्णी किसानों से जबरन पैसा वसूल करते हैं। वो किसानों का शोषण समाप्त करने के लिए हम कुलकर्णी प्रथा के बजाय पटवारियों की नियुक्ति करते हैं। हम ऐलान करते हैं कि राजकोष से कोई भी इनाम या उपहार ब्राह्मण वर्ग को नहीं दिया जाएगा। हमारे राज में सरकारी दफ्तरों में पिछड़ी जाति तथा निर्बल वर्ग को 50% आरक्षण लागू किया जाएगा तथा प्रत्येक देहात में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाएगा। मुस्लिम प्रजाजन शिक्षित बने इसलिए हम स्वतंत्र रूप से मुस्लिम शिक्षा समिति गठित कर रहे हैं। कोल्हापुर रियासत का प्रशासन बहुजन कल्याण के लिए वचनबद्ध है। प्रियार अब हद हो गई इंतजार की। करो सत्याग्रह रात दिन। बीत गए 2 महीने। ये वाइकोम का मंदिर, भगवान है उसके अंदर, मगर हमें मंदिर में नहीं जाने देते। हम दर्शन करना चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं देश आजाद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करो, मगर हमारी गुलामी का क्या। अच्छो तो तुम्हारे गुलाम और तुम्हारा देश आजाद। गांधी कहते थे वाइकोम आऊंगा, तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा। कहां गया उनका वादा। हमें हरिजन बना दिया, हरि के जन, भगवान के लोग, और हमें मंदिर नहीं जाने दिया जाता। हमारा भी भगवान पर हक है, हम मंदिर जरूर जाएंगे। खबरदार, ऐसी गलती मत करना। भगवान पर बड़ा भरोसा है तुमको। ये इनके भगवान का मंदिर क्या रखा है वहाँ। 2 महीने से ज्यादा हो गए, किसी ने घुसने दिया तुमको वहाँ। हटो वहाँ से। मंदिर वंदिर कुछ नहीं, अपने आप पर भरोसा करो। तुम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकोगे। आत्मसम्मान चाहिए ना तुम्हें, तो फिर भूल जाओ भगवान को। वैसे भी क्या मिला तुमको, सदियों से तो मानते आए हो इस भगवान को। जब तक तुम इज्जत के साथ जीना नहीं सीख लेते तब तक दफन कर दो इस भगवान को इतिहास के पन्नों में। हमें अपने आत्मसम्मान की जंग लड़नी है। जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है। फिर आओ, चलो मेरे साथ। जय जीजा माता की। जय।
चौदार तालाब यह एक सार्वजनिक तालाब है। यहाँ पर हिंदुओं के साथ मुसलमान और अन्य धर्म के लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन अछूतों के लिए नहीं। यहाँ पर पशु पक्षियों को चोंच मारने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अछूतों को पानी पीने के लिए मनाही है। सवर्ण अछूतों को इसलिए पानी नहीं देते क्योंकि हिंदू शास्त्रों ने उन्हें नीच ठहराकर असमान बना दिया है। ऊंची जात वाले ये नहीं चाहते कि अछूतों को बराबरी का हक मिले। आज तक हमने 14 तालाब का पानी नहीं पिया, इसलिए मर नहीं गए। सबकी तरह हम भी इंसान हैं। हमारा दर्जा भी बराबरी का है, यही सिद्ध करने के लिए हमने 14 तालाब का पानी पिया है। अरे कई बार तुम लोगों को समझाया लेकिन समझते नहीं हो। अरे तुम्हें तो अपने आप से भी घृणा होनी चाहिए। क्या सिर्फ यही एक गलीच साधन रह गया है तुम्हारे पास अपनी भूख मिटाने का? दूसरों की झूठन, सड़ा हुआ मांस, तुम्हारे इस हरकत से तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है। क्यों करते ये सब कुछ? कुछ नहीं मिला तो कंदमूल है, अगर वो भी नहीं मिला तो पानी पीकर अपनी भूख मिटाओ। सवर्णों को भी भूख लगती है तो फिर वो सड़ा हुआ मांस क्यों नहीं खाते? भूखे मरने की बात करते हो। विदेश में शिक्षा के दौरान मैंने कभी एक ब्रेड का टुकड़ा या तो कभी पानी पीकर अपना दिन गुजारा है, और तुम्हें तो भूख लगने के बाद मरे हुए पशुओं का मांस नजर आता है। नहीं, कोई भी अछूत मरे हुए पशुओं का मांस नहीं खाएगा। सम्मान से जिंदा रहने के लिए कोई भी अछूत घिनौना समझौता नहीं करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मंदिर, काला राम मंदिर, मुक्त करो। काला राम मंदिर, काला राम मंदिर, काला राम मंदिर, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। अम्बेडकर की जय। जय काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। काला राम मंदिर, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो, काला राम मंदिर, मुक्त करो, मुक्त करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। काराम मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। यह काम भगवान के दलाल पंडे पुजारियों का है। 33 कोटि भगवान यह पुरातन संस्कृति की देन है। भगवान और धर्म के नाम पर
हिंदू संस्कृति ने क्या किया? करोड़ों अछूत और आदिवासियों का निर्माण किया है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, शूद्र, शूद्र ब्राह्मण के नीचे और अछूतों के ऊपर। भगवान के नाम पर यह आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है जो जातीयवाद को बढ़ावा देता है और अछूतों पर पथराव करके उन्हें लौलुहान करता है। फिर भी आप लोग भगवान की पूजा करते हैं। बाबा साहब देखिए अखबार, लिखा है अंबेडकर ब्रिटिशों की तरफदारी करते हैं, स्वराज के विरोधक है और न जाने क्या क्या। सावंत, लोकमान्य तिलक कहते थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर वे अछूत जाति में जन्म लेते और उनका दुख दर्द समझते तो जरूर कहते कि अस्पृश्यता निवारण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रही अंग्रेजों की बात, उनके रहने ना रहने से हमारे शोषण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हां सुनो सावन, इस विशाल देश को जिन्होंने मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम बना दिया है, वही लोग मुझे अंग्रेजों का तरफदार कहते हैं, क्योंकि मैं इनकी विषमता की परंपरा का समर्थक नहीं हूं। अब आगे देखना, मेरे बारे में वे और भयानक दुष्प्रचार करेंगे, जबकि मैं इनके स्मृति, पुराण, वेद और धर्म के आधार को नष्ट कर दूंगा। मनुस्मृति दहन करो, दहन करो, चातुर्वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, समाप्त करो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जय। मनुस्मृति दहन करो, दहन करो, चातुर्वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, समाप्त करो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जय। देशं दर्पेणः विप्राणमस्य कुर्वतः तप्तमासे च ये तैलम वक्रेशो ते सुपाति। यदि किसी ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करे उसे आगे में तेल की कढ़ाई में डाल दूंगा। यदि शूद्र ने शासन की ओर देखने की इच्छा की तो उसकी आंखें फोड़ दो। यदि छुपकर भी वेदों का पाठ सुनता हो तो उसके कान में उगल का उद्यन डाल दो। यदि शूद्र ने तो उसकी आंखें फोड़ दो। सर उठाकर मत चलो, शिक्षा ग्रहण मत करो। ज्ञानी बनना चाहोगे तो हत्या कर दी जाएगी।
शूरवीर बनने की कोशिश करोगे तो अंगूठा काट दिया जाएगा, उपास ना करोगे तो तुम्हारे दोहे अभंग आरतियों को बदल, तुम्हारे ध्यान ज्ञान प्रज्ञा की परंपरा को नष्ट कर देंगे। यही परंपरा है ब्राह्मण, स्त्री को महापापी करार दे दिया गया, शूद्र स्त्रियों को मंदिर के नाम पे देवदासी बनाकर भगवान के सहारे भोगते रहे, धर्म के नाम पर भी विचार का सिलसिला चलता रहा, सारे देश के लिए फसल उगाकर भी दाने दाने के लिए तरसता किसान, देश में साधन संपत्ति होने के बावजूद भूख से बिलबिलाते नरकंकाल, धन धरती व शिक्षा से वंचित बहुजन, लीज लीजे कीड़े जैसी बदतर जिंदगी, मुक्ति की खोज के लिए भटकते शूद्र, स्वाभिमानी जीवन के लिए तरसती अपमानित इंसानियत, सदियों का दमन चक्र, सब तरफ धर्म के नाम पर अधर्म, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और ऐसे अंधकार में दीप स्तंभ बनकर बाबा तुम आए, सदियों की पीड़ा को तुमने आवाज दी, बाहर से सजे सवरे दिखने वाले हिंदू समाज का खोखलापन तुमने उजागर कर दिया, शूद्रों की गुलामी का दस्तावेज मनुस्मृति का कानून तुमने जलाकर राख कर दिया, बाबा साहेब तुमने भारत की तकदीर को ही बदल कर रख दिया, भारतीय संविधान का निर्माण करके अब कोई ऊंच नहीं ना कोई नीच है, सब समान, सबकी हैसियत एक जैसी, क्या नहीं किया ब्राह्मणवाद ने, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए दशावतारों की छलकथा, महर्षि शंबुक की हत्या, एकलव्य का अंगूठा विच्छेद, शूद्रों को धर्म के नाम पर नरक यातना, अपने स्वार्थ के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग, अछूतों के गले में मटका, पीठ पीछे झाड़ू, संतों की अवहेलना, महात्मा फूले की हत्या का षड्यंत्र, छत्रपति शाहू महाराज का अपमान, पेरियार को वाइकोम में विरोध, ब्राह्मणवाद कभी नहीं चाहता कि समानता स्थापित हो, ब्राह्मणवाद ये भी नहीं चाहता कि कोई भी ब्राह्मण जाति का सुधारक ब्राह्मणवाद को समाप्त करे, इसलिए आगरकर रानड़े व अन्य कई ब्राह्मण सुधारकों को सफल होने नहीं दिया गया, बिना भेदभाव के ब्राह्मणवाद कभी सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए हे 85% भारत के मूल निवासियों, तुम्हें इस देश के हुक्मरान बनना होगा, हजारों साल से तुम सत्ता में नहीं रहे, इसलिए छुआछूत लाचारी पीड़ा घुटन निर्धनता का अभिशाप भोगते रहे, आज तक ब्राह्मण वर्ग ने अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था का दुरुपयोग किया है, अब ब्राह्मणों द्वारा गुलाम बनाए गए 85% शुद्ध संगठित होकर अपनी उन्नति के लिए इसी व्यवस्था के सदुपयोग से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके आजाद हो सकते हैं। पहली आजादी तब मिली जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए, अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ, फिर भारतीय संविधान ने सबको समान ठहराकर कानूनन आजादी दी, ये दूसरी आजादी थी, जो इंतजार कर रही है कि भारत के मूल निवासी प्रजातंत्र की बागडोर अपने हाथ में ले, हुक्मरान बनने के लिए तुम्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष करना होगा, शासक बनकर जाति विहीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना होगा, वो तीसरी आजादी होगी।